ये देखिए भाई, रास्ते में ये बी फार्मिंग हो रही है। ये हाँ की रिकॉम्पियो पहुंच गए हैं। बहुत शानदार, बहुत सुंदर। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। उठ गए भाई, हम तो क्या, मैं ही उठाऊँ, वो तो सब रेस्ट कर रहे हैं, बेड में ही है। और सुबह सुबह आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू, कुफरी का। ये देखिए क्या शानदार व्यू है। टाइम हुआ अभी 6:30, मैं तो बोल के 4:30 ही उठ गया था, फिर भी ऐसे ही पड़ा रहा। और बाहर बादल हो रखे थे, माँ भाई बारिश ना आ जाए, बट अभी एकदम पूरा आसमान, पूरा नीला आसमान। और ये हमारा होम स्टे था, ये देखा, ऑन रोड ही हमें मिल गया ये। भाई ने बहुत अच्छी हेल्प कर दी, ये पूरा होम स्टे। और नीचे हमारा रूम है, काफ़ी शानदार। और ये कुछ इस तरह का व्यू है, कुछ नहीं था। बड़े शानदार नज़ारे हैं भाई, ये देखिए। फटाफट सबको उठाते हैं और उनको करते हैं रेडी। रूम मैंने बुक करवा दिया कल्पा में, booking.com से बुक करवाया। वो हमें पड़ा 3300-3400 रुपये के आसपास, हाँ 3400 समथिंग का है दो रूम। बाकी व्यू वहाँ पे काफ़ी, उसको रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिली थी। और वहाँ से माउंट कैलाश का व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त था, आपको वहीं जाके दर्शन करवाएंगे। माउंट कैलाश के 8 घंटे का रास्ता है यार, तो जल्दी निकलेंगे तभी टाइम से पहुँच पाएंगे, अदरवाइज तो बैंड बज जाएगी। निकालते हैं सब कपड़े वगैरह और नहा धोके रेडी हो जाते हैं, सबको उठाता हूँ जाके। ये भाई का नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बुकिंग के लिए। बाकी मैं मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भाई का नाम और नंबर। हम हो गए रेडी और निकलते हैं अभी कुफरी से, क्योंकि हमें पहुंचना है कल्पा। और ये थे भैया जिन्होंने भाई बहुत हेल्प की हमारी, रात को रूम वगैरह सब एडजस्ट करवाया। फटाफट निकलते हैं, और कोई भी भाई आए तो एक बार, ये ऑन रोड है ये होम स्टे, और काफ़ी अच्छा है, पार्किंग की फैसिलिटी भी है यहाँ पे, काफ़ी सही है बाकी होटल से। और ऑन रोड आपको ज़्यादा अंदर भी नहीं घुसना। करीबन हम चले 15 किलोमीटर और हम रुके हैं एक छोटे से ढाबे पे। ये देखिए यहाँ है ढाबा, वर्मा ढाबा, मैगी पराठा सारी चीज़ें मिलती है, चाय वगैरह। और यहाँ सब नज़ारे बहुत शानदार है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल। आप अच्छे से नेचर एंजॉय कर सकते हैं, यहीं फ़ोटो वोटो क्लिक करते हैं। भूख लग गई, चलो वहाँ पे खाते हैं।
ये सबसे लेट तैयार हुआ, ये इसने सबसे लेट करवाया, नहीं तो हम 7 बजे निकल लेते। ये देखो दोनों बहनें फुल मैच करते हुए, ब्लू जीन्स, शूज भी मैच, शूज का कलर भी, शर्ट्स। वाह भाई, दोस्ती हो तो ऐसी हो। तैयार हो गया पराठा और अंकल ने बना दिया मैगी। पहाड़ों में मैगी का मज़ा अलग ही है। और ये क्या अंकल? ये सिड्डू है। सिड्डू, और ये है सिड्डू। हम लेंगे एक सिड्डू, ये भी टेस्ट करेंगे क्या रहे, ये पहाड़ी फेमस डिश है। ये देखिए, ये है सिड्डू। ये चटनी के साथ खाते हैं, और ये लोकल घी है। इसको टेस्ट करते हैं कैसा है। मिर्ची होती है बहुत इसमें। नाश्ता हो गया है और करीबन 197 का रास्ता बाकी, 197 किलोमीटर जो हमें कवर करना है, और मैप में दिखा रहा है 6 घंटे। ये देखिए 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, और हमें ये भाई मिल गए थे, और ये हैं बादरगढ़ से। मज़ा आ गया भाइयों से मिल गए, इनको भी मैंगो खिला दी गई रास्ते। ये देखिए भाई, रास्ते में ये बी फार्मिंग हो रही है, ये हनी बी, ये 500 रुपये किलो। हम रुके अभी रास्ते में, यहाँ इतने एप्पल के पूरे बगीचे दिख रहे थे ना, ये देखिए। और कई होते ना छोटी छोटी एप्पल भी लगी हुई है, शायद जूम करके नहीं दिख सकते, लेकिन व्यू है ना वो बड़ा शानदार है। ये देखिए पूरी वैली इतनी सुंदर लग रही है। सुंदर नज़ारा हुआ बीच, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा हो रहा है हर जगह गाड़ी रोक के यार फोटो ही क्लिक करवाते रहे, बस निहारते ही रहे इस नेचर को, कितना सुंदर है यार। इसलिए भाई हिमाचल दुनिया में सबसे अलग जगह है। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, इतनी शांति, इतना पीसफुल, बट पब्लिक बहुत ज़्यादा आई हुई है, बहुत ज़्यादा। और ये विलेज है नन्ही गांव है यहाँ। हमने रोकी है गाड़ी रास्ते में, इसको चेरी पसंद आ गया, क्या रहा है चेरी लूंगा, मस्त है। और ये कच्चा बादाम यहाँ पे, जो एक करके हम यहाँ की येलो कुल चेरी है, नहीं बनाना है, बना लो। भैया रेट तो सही लगा लो, लोकल पेड़ है कुछ, हाँ कुछ सही लगा दो। इससे कम नहीं मिलेगा सेंटर से। अच्छा 20 की वाली हुई। हाँ
देखिए ये आ गया सतलुज रिवर, अब इसके साथ साथ ही हमें आगे बढ़ना है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, और ये देखो पहाड़ अब सूखे होने लग गए हैं धीरे धीरे, पहले ग्रीनरी थी ज़्यादा, अब सूखे सूखे पहाड़ आ गए। अभी पेट्रोल के लिए करीबन 12 लीटर पेट्रोल आ गया है, और रामपुर करीबन 10 किलोमीटर रह गया, लेकिन यहाँ तक रोड है ना यार वो बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये गाड़ी नहीं जाएगी, छोटी गाड़ी ये वो, बट रामपुर तक बहुत शानदार रोड है, आप इजीली गाड़ी से आ सकते हैं, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो ईजी है ड्राइव, और रास्ते बड़े चौड़े चौड़े, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखो उल्टी होने के बाद ऐसा हो जाता है चेहरा, पहले इंसान खुश होता है लेकिन जैसे उल्टी होती है ऐसा हो जाता है। कल्प 115, टापो 254, 115 किलोमीटर बाकी है। रोड देख सकते हो आप यार, रोड की कंडीशन कितनी शानदार है, और आज तो बारिश भी नहीं है, कल तो बहुत तेज बारिश थी शिमला के वहाँ, आज मौसम पूरा साफ है, यहाँ का फुल मजे आ रहे हैं, नेचर यार बहुत शानदार है। ये अच्छा हुआ बारिश नहीं है, इसलिए लग रहा है टाइम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि 12:15 का टाइम हो चुका है अभी। ये एक ऐसा टुकड़ा है जो खराब मिला है, इसके भी काम चालू, अदरवाइज अभी तक रास्ता था जबरदस्त। ये रामपुर से हम करीबन 5-7 किलोमीटर आगे निकले, ये थोड़ा खराब रास्ता है, अदरवाइज तो बहुत बढ़िया रास्ता। ये देखो यहाँ की कितनी छोटी छोटी गाय हैं, कितनी कम हाइट की।
रास्ते में आ गया ये सुंदर सा झरना और लोग लगे पड़े हैं फोटो वोटो क्लिक कराने। हम भी कराते हैं भैया फोटो क्लिक और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। फाइनली चेक पोस्ट आ गई है। यहाँ से पूरी डिटेल शेयर करनी है लोगों के साथ, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन है, फटाफट चलते हैं एंट्री करवाने। हम निकल लिए भाई चेक पॉइंट से आगे, सारी डिटेल्स फिल करवा के फोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो भी भाई आ रहा है ये डिटेल्स उसमें देनी पड़ेगी, तो मैं साथ में फ़ोटो भी डाल दूंगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, रास्ते का एंजॉय लेते हैं। मौसम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, धूप है बट अब हवा चलने लगी है, पहले हवा नहीं थी। ये देखिए ये है भाई सबसे फेमस पॉइंट यहाँ का, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रुकते हैं। पहाड़ गिरने का भी खतरा है बट फेमस पॉइंट यही है। खतरनाक पहाड़ है, ओह माय गॉड, सच में बहुत डर लगता है यहाँ पे भाई, खड़े हो गए भी डर लगता है। फटाफट निकलते हैं आगे की तरफ। और सुंदर रास्ता को देखते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे की तरफ और आपको भी दिखाएंगे इतने ही ज़्यादा खूबसूरती। और रास्ते बड़े शानदार हैं, थोड़े डेंजरस लगते हैं बट सुंदर बहुत है। तो चलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे। रोड एकदम सही है लेकिन बीच बीच में एक आध पैच है ना, वो ख़राब है, बट गाड़ी आराम से निकल जाती, कोई इशू नहीं है।
फाइनली हम पहुंच गए हैं तरंडा माता मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर है। अगर आप स्पीति वैली के लिए जा रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर के दर्शन करके जाता है उसकी यात्रा बहुत ही ज़्यादा सुखद और शांतिप्रिय होती है। तो हम भी करते हैं माता रानी के दर्शन और आपका भी कराते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं स्पीति के लिए तो यहाँ माता के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि ये जो मंदिर ये बनाया था यहाँ ITPP वालों ने, और वो इनके दर्शन करके ही आगे बढ़ते थे। मैं तो आ गया हूँ गाड़ी में दर्शन करके, बाकी अब घर वाले कर रहे हैं दर्शन, फिर चलेंगे आगे की तरफ। Thank you.
फिर से बारिश आ गई है, करीबन 3:15 हो गए हैं और रह गया है 40 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन। ओ भाई रास्ता इतना कई जगह तो ऐसे टूटा हुआ है, बट ज्यादा टूटा हुआ नहीं है। ये देखो कितने बड़े बड़े पहाड़, लैंडस्लाइड की वजह से। बारिश फिर से स्टार्ट, कल भी इसी टाइम स्टार्ट हुई थी, आज भी इसी टाइम बारिश आ गई है, बता रखा था वैसे भी। पर रोड यार इतने जबरदस्त है ना, मतलब एकदम बढ़िया रोड बना रखी है गवर्नमेंट। और सामने बर्फ आपको दिखाते हैं, पूरा बर्फ का पहाड़, वो देखो सामने बर्फ, पूरा पहाड़ बर्फ का, शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बारिश है, अदरवाइज सामने का पूरा पहाड़ बर्फ का है। रिकोंगपियो 32 किलोमीटर, करछम डैम 8 किलोमीटर, अभी हमारा काफी रास्ता बाकी है यार, और बारिश तेज है। वाव, बहुत तेज बारिश हो गई यार। और एक भाई मिला था हमें यहाँ लोकल, वो कह रहा था शायद काजा में स्नोफॉल भी मिले। और ये करछम डैम फाइनली पहुंच गए हैं। ये देखिए करछम डैम, I'm not afraid to die.
क्या लिखा है, कम पी मेरी रानी महंगा हो गया इराक का पानी। ऐसे ऐसे शायरी भाई बस और ट्रकों पे भी मिल सकती है, बस और कहीं नहीं मिलेगी आपको। और ये शिमला से कल्पा बस है, अगर आप भाई बस भी आना चाहें तो आपको इजीली बस अवेलेबल होगी। रिकोंगपियो पहुंच गए हैं, बहुत शानदार बहुत सुंदर रिकोंगपियो। लेकिन ट्रैफिक है, लाइन है, देखो ट्रैफिक, रेड लाइट आ गई। और ये बाइक वाला ने भी भाई दिमाग की बैंड बजा रखी है। ये रिकोंगपियो जंगल रिट्रीट हमारा होम स्टे। और रास्ता भी भाई पूरा जैसा जंगल का नाम है ऐसा ही पूरा जंगल है। सचिन यहाँ पे रख तो सही था गाड़ी, जबरदस्त। ऑफ रोडिंग चालू है भाई, ऑफ रोडिंग। गाड़ी सही है, ये अपने आप निकाल देगा सुबह। गाड़ी में बैठ जाओ तुम, गाड़ी में बैठ जाओ। तुम्हारे बैठने से लग रही थी ये। ये भैया ही निकाल देंगे सुबह, अब कहाँ थैले उठाते फिर हो गए। हम पहुंच गए हैं भाई होम स्टे का। यार इतनी जबरदस्त जगह है, बहुत सुंदर लोकेशन, मजा आ गया यहाँ पे। बाकी डिटेल आपके थोड़ी देर में शेयर करेंगे आपके साथ, अभी पहले आते हैं सामान।